हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास एक मशीन आया है रिपेयर होने के लिए। यूट्यूब से मेरा सब्सक्राइबर प्रसन्नजीत चौधरी ने साउथ त्रिपुरा से ये मशीन भेजा गया है मेरे पास उड़ीसा। ये रिपेयर होने के लिए ही आया है और इसको रिपेयर करके मैं दोबारा मेरे सब्सक्राइबर लभैया को मैं भेजूंगा। और इसमें क्या दिक्कत है, क्या मशीन है, वो मुझे कुछ जानकारी नहीं है, तो उसको खोल के देखूंगा। और यहाँ पे देखिए मेरा एड्रेस टेक्निकल सीधा, तो ये मेरा कंप्लीट एड्रेस है। मैं अगर आपको इस एड्रेस पे मशीन भेजना है, मेरे पास कोई मशीन भेजना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये कंप्लीट एड्रेस मिल जाएगा, नहीं तो साइड में जाएगा नंबर से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट करके मुझे ज़रूर मशीन भेजिए अगर आपको कोई मशीन रिपेयर करना है। यहाँ से प्रॉपर तरीका से रिपेयर होकर आपके पास चला जाएगा। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, इसके खोल लेते हैं, क्या है, कैसा है, क्या प्रॉब्लम है, कौन सा मशीन है, सब कुछ आपको जानकारी ये वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए इसको काट लेते हैं। जब आप मशीन भेजते हो पूरा प्रॉपर तरीके से आपको पैकिंग करना है, पैकिंग करके मशीन जरूर भेजिए, कहीं पर डैमेज होना नहीं चाहिए। पूरा परफेक्ट पैकिंग होके मेरे पास ये भैया ने भेजे। वैसे ये कोरियर वाले ही पैकिंग कर लेते हैं, तो आप इंडिया पोस्ट में भेजिए, अच्छा रहेगा, सस्ते में आ जाएगा, इसमें थोड़ा महंगा हो जाएगा कोरियर में। तो यहाँ से मैं इसको खोल लेता हूँ। ओके, यहाँ पर ये 26 mm हैमर ड्रिल है, लगभग ये मेरे से 1500-1700 किलोमीटर के आसपास ये मशीन मेरे पास आया है। आप चेक कर लो साउथ त्रिपुरा उड़ीसा कितना दूर है। सब कुछ भाई ने खोल के दिए हैं। तो यहाँ से मैं खोल लेता हूँ सब जितने भी इसमें स्पेयर पार्ट्स है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, इसमें और कुछ नहीं है। आप चेक कर लीजिए क्या क्या खराब हुआ है, क्या खराब नहीं हुआ है। जैसे कि मैं चेक कर रहा हूँ, अगर आपके पास कोई मशीन है रिपेयर करो तो ज़रूर ऐसे आप वीडियो देख के चेक कर सकते हो क्या क्या दिक्कत है इसमें। दोस्तों दिक्कत ये हो सकता है, यहाँ से टूट सकता है। ओके, तो साइड से कुछ भी डैमेज हो सकता है। ये वाला अगर आपका ये वाला ये जो होल है फ्लैंज में, अगर ये होल ख़राब हो जाएगा तो आपका मशीन में आर्मेचर सही होगा, कॉइल सही होगा, बट स्पार्क आएगा, तो ये दिक्कत होता है। ये फ्लैंज चेंज कर लीजिए, हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये गियर देखिए, गियर यहाँ से ख़राब हुआ है, देखिए ये डैमेज हुआ है गियर ऊपर से, तो इसको हम चेंज करेंगे अगर ये नहीं चलेगा। ये चल तो जाएगा बट ये बाद में ये प्रॉब्लम होगा। ये देखिए ये जो पोजीशन है, ये देखिए यहाँ से ख़राब हुआ है। मैं क्लीन करने के बाद आपको दिखाऊंगा क्या क्या ख़राब हुआ है, फिर भी यहाँ पर लग रहा है ये ख़राब है। इसके अंदर भी देखिए खाँचा है इसके अंदर, तो ये भी डैमेज हो सकता है। प्लस इसमें नीडल बेयरिंग है, ये देखिए नीडल बेयरिंग भी सारी डैमेज हुआ है। चलो मैं इसको बाद में दिखाऊंगा, नहीं डैमेज नहीं लग रहा है, फिर भी ऊपर से थोड़ा प्रॉब्लम है, बट शायद हो जाएगा, चेक कर लूँगा बाद में। क्लीन करने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा आपको। और ये देखिए ये बेयरिंग आपको चेक करना है, ये बेयरिंग सही होना चाहिए। प्लस यहाँ पर ये जो खाँचा है, घाटी है, तो ये भी सही होना चाहिए। ओके, पिस्टन ये स्ट्राइकर है, पिस्टन के अंदर ये स्ट्राइकर घुसता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ओरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओरिंग भी खराब होने से दिक्कत होता है, बट ये सही है। सबसे मेन चीज आर्मेचर, यहाँ पर देखिए तो आर्मेचर यहाँ पे टॉच हुआ है कहीं पे, शायद पहले बेयरिंग टूटा है तो ये टॉच हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। प्रोटेक्शन स्लीव, इतना दूर से आया है, तो अगर आप कोई भी मशीन कहीं से भी भेज रहे हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से प्रॉपर तरीके से रिपेयर हो गया, आपके पास चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए कॉइल कनेक्टर ये है और एक रिसर्च होना चाहिए यहाँ। तो ये बॉल स्प्रिंग, बॉल वगैरह, स्क्रू ड्राइवर वगैरह,
ये देखिए बॉल उसका स्टिंग तो यहाँ थोड़ा सा डैमेज है तो ये कॉइल है इसको भी चेक करूंगा मैं। तो यहाँ से ये टूल होल्डर है इसके अंदर डैम्पिंग सेट है डैम्पिंग बूस है तो इसको भी मैं खोलूंगा इसके भी चेक करूंगा इसको भी दोबारा फिटिंग करूंगा। ओके तो यहाँ पे इसको खोल लेता हूँ यहाँ से कुछ निकल जाएगा और तो ये गिर गया तो यहाँ से ये है इसको आपको यहाँ पे लॉक खोल के निकलना है कोई दिक्कत नहीं जाम हो जाता है तो यहाँ पे मैं खोल लूँगा और ये उसका सब टूल होल्डर है ये भी सिंगल पीस मिल जाता है यहाँ पे डैमेज होता है तो इसको भी आपको चाहिए यहाँ पे देखिए रबर है यहाँ पे इसको भी खोल लेता हूँ ये देखिए। ओके सबसे हम फर्स्ट हम ये करेंगे कि आर्मेचर कॉइल को टेस्ट करेंगे क्या है कैसा है ओके तो अभी हम टेस्ट करेंगे कॉइल को देखिए तो कॉइल का यहाँ पे दो पॉइंट मिल जाएगा यहाँ से देखिए यहाँ पे एक शो कर रहा है और बॉडी में चेक करना है आपको बॉडी में शो नहीं करना चाहिए और यहाँ पे शो कर रहा है बॉडी में चेक करना है यहाँ पे बॉडी में शो नहीं कर रहा है तो ये हो गया आपका कॉइल बिल्कुल सही सलामत है और आप ऐसे आप चेक कर सकते हो कहाँ पर डैमेज है क्या है कैसा है आप यहाँ से चेक कर सकते हो ठीक ठाक है कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओके तो यहाँ से हम आर्मेचर को भी चेक करेंगे नॉर्मली आप इसको चेक कर सकते हो बाद में अगर आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो आप बाद में वो मशीन में लगाने के बाद पता चलेगा नहीं तो आप ग्रावलर मशीन है तो वहाँ पर पता चलेगा अगर स्पार्क आएगा स्लो घूम सकता है बाहर से गया तो नॉर्मली आप चेक कर सकते हो ठीक ठाक दिखेगा बट चालू कंडीशन में तो ये है बट ये मैग्नेटिक फील्ड अगर आ जाएगा तो दिक्कत होगा बाद में उसको चेंज करना पड़ेगा तो यहाँ से हम फिटिंग करेंगे वो तो बाद की बात है तो अभी हम क्या करेंगे इतने जितने स्पेयर पार्ट्स हैं सब क्लीन करेंगे। ओके तो यहाँ से डैम्पिंग सेट सही है और यहाँ से सो करा सही है अब बाहर उसको क्लीन कर लेना है और ये देखिए दो दो अपने लगा सकते आप चेक कर सकते हो यहाँ से सही है नहीं तो उसको खोलना है तो यहाँ से इसका दो ब्लॉक यहाँ पे मिल जाएगा। ओके चलो मैं इसको खोल के आपको दिखाऊंगा कैसे फिटिंग किया जाता है। यहाँ से एक पेचकश लीजिए ये यहाँ से घुसाइए एक लॉक यहाँ पे मिलेगा और वहीं लग यहाँ पे भी शो दिख रहा होगा तो यहाँ से आपको प्रेस करके निकालना है। पिछले वीडियो में मैं बताया था इसको कैसे खोला जाता है वो भी वीडियो आपको कंप्लीट सर्विसिंग का दिया गया है वो भी आप चेक कर सकते हो। ओके तो यहाँ से कुछ निकल जाता है ऊपर से आप चेक कर सकते हो कि ये डैमेज है क्या है कैसा है डैमेज तो नहीं है बट इसको मैं खोल के दिखाऊंगा ऐसा आपको रखना है और यहाँ से ये देखिए ये एक लॉक दिख रहा है यहाँ पे देखिए ये लॉक दिख रहा है और सेम लॉक यहाँ पे भी दिख रहा है तो इसको आपको नीचे खुसाना है नीचे अगर लाओगे तो ये निकल जाएगा तो यहाँ से हम थोड़ा पीट लेंगे इसको कोई छोटा सा स्क्रू ड्राइवर पेचकस से आप ऐसे पीट के निकाल सकते हो पीटना ही पड़ेगा बहुत टाइट होता है ये। ओके तो यहाँ से देखिए दोनों लॉक एक ही लॉक है दोनों साइड में दिख रहा है तो यहाँ से अंदर से देखिए देखिए लॉक उसका दूसरा क्लिप है तो यहाँ पे शो दिख रहा है तो इसको आपको खोलना है तो जो जो यहाँ पे दिखा है अगर कुछ और दिखा है तो उसका पीट लीजिए तो वो थोड़ा ऊपर आ जाए हम निकाल सकते हैं उसको। तो यहाँ से निकल गया है तो ऐसे आप थोड़ा ऊपर लीजिए नहीं तो कोई पतला सा तार अंदर घुसा के निकाल सकते हो हेवी वाला नहीं तो आप सीधा ऐसे स्क्रूड्राइवर से भी निकाल सकते हो। ये देखिए पिछले वीडियो में मैं आपको तार से निकल कैसे निकालते हैं वो दिखाया था पेन हो गया था
ये इसका डैम्पिंग टच और ये सही होना चाहिए। अगर ये ख़राब हो जाएगा तो आपका मशीन में हामरिंग नहीं हो। तो ये वाला ये जो स्टाइकर पिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको चेक करना है, हमेशा इसको चेक कीजिए। बहुत लोगों ने बोलते हैं डैम्पिंग सेट को कैसे फिटिंग किया, मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ओरिंग, यहाँ पे ओरिंग लगेगा, ऐसे ऊपर लगेगा और कुछ नहीं है इसमें। ओके, तो अभी दोस्तों इसको क्लीन करेंगे, जितने भी पेपर से सब धो लेते हैं। मैं आपको इसको स्किप करके दिखाऊंगा क्योंकि धोना सबको डीजल में आपको धोना है, इसको मैं बस इसको स्किप करके आपको दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ क्लीन हो चुका है, अभी हम फिटिंग करेंगे इसमें मोटर साइड। तो यहाँ पे कॉइल है हमारा, यहाँ और आर्मेचर, आर्मेचर होल्डर और पत्ती वगैरह हम नया लगाएंगे ये वाला, और कॉइल कनेक्टर भी नया लगाएंगे, और कार्बन होल्डर यहाँ पे देखिए, और ये दोनों जो कार्बन होल्डर का ये जो दो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये चेक कर सकते हो। अगर ये ख़राब हो जाएगा तो इसको सेट आपको चेंज करना पड़ेगा। चलो अभी ये सही है कार्बन होल्डर, तो ये चेंज बोर्ड चेंज होता है, लेफ्ट राइट होता है, ये 26 mm में ये सिस्टम रहता है। तो अभी हम ये दो पत्ती लगाएंगे और ये जो कनेक्टर ये ख़राब हुआ है इसको हम निकालेंगे, इसको हम चेंज कर लेंगे, ये वाला, ये दोनों हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से हम कॉइल को फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये दो कॉइल कनेक्टर है और गियर ख़राब हुआ था, गियर हम लगाएंगे बाद में, और ये दो कॉइल कनेक्टर, यहाँ पर देखिए कॉइल कनेक्टर और उसका पत्ती हम लगाएंगे इसमें। ओके, तो यहाँ पर ये ख़राब हुआ था कॉइल कनेक्टर दोनों, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, ये वाला दो लगाएंगे हम। अच्छा, इस तरह भी ऐसे लगाना है आपको। पूरा यहाँ से फिक्स होगा ये वाला, ये जो पोजीशन है यहाँ से ये फिक्स हो जाएगा, यहाँ से ये भी फिक्स हो जाएगा। ओके, तो अभी ये तैयार हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सीरीज में टेस्ट कर लेंगे यहाँ पे कंटिन्यूटी शो करा है या नहीं करा है, सब कुछ टेस्ट करना है आपको ताकि आपका आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, यहाँ पे शो करा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आर्मेचर को, सॉरी कॉइल को हम इसमें मोटर हाउसिंग में डालेंगे, और ध्यान दीजिएगा ये सीधा होना चाहिए ये वाला। ओके, तो यहाँ से इसको लगाइए, अंदर चला जाएगा पूरा स्मूथली चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और बाहर यहाँ पे आना चाहिए। ये देखिए एक यहाँ से निकलने वाला है ये टिप पिन, तो एक यहाँ से निकलना चाहिए, देखिए निकल रहा है, और एक यहाँ से निकलना चाहिए, ये भी निकल रहा है, और फिर यहाँ से आप पीट लीजिए पूरा ऊपर आ जाए। पिटने से पहले आपको ध्यान देना चाहिए ये जो दो पिन ये होल में रहना चाहिए, फिर पिटोगे तो आ जाएगा, नहीं तो ये बैंड होके इधर उधर चला जाएगा। ओके, ये जी ये देखिए ये भी इसका कनेक्टर यहाँ पे आना चाहिए और इसका कनेक्टर यहाँ पे आना चाहिए। ओके, ये हो गया हमारा कॉइल को फिटिंग करने, ये हमारा कॉइल फिटिंग हो गया। अभी यहाँ पे दो स्क्रू लगाना है आपको, यहाँ पे एक यहाँ पे। ओके, ये दो स्क्रू है इसका। ओके, तो अभी ये दो स्क्रू यहाँ पे लगाएंगे, अभी ये लग चुका है, अभी उसका एयर डिफ्लेटर देखने लगा लेंगे, ऐसे लगेगा ये वाला जो ऊंचा थोड़ा दिख रहा है अंदर है ऐसे, और यहाँ पे ये सेट हो गया। अभी हमारा कॉइल फिटिंग हो चुका है, अभी हम आर्मेचर में जाएंगे, ये आर्मेचर है और आर्मेचर का दोनों बेरिंग चेक करना है आपको सही है या नहीं है, यहाँ पर आर्मेचर का दोनों बेरिंग सही है, और यहाँ पर एक रबरिंग है ये देखिए, और इसके अंदर ये रबरिंग है, तो ये निकलना चाहिए, अगर ये निकल रहा है तो आसानी से उसको निकाल के यहाँ पे लगा दीजिए। ये थोड़ा शायद मुझे लग रहा है ये फिक्स हो गया, टाइट हो गया, निकल तो जाएगा बट टाइट हो गया है, तो अगर आर्मेचर अगर अंदर चला जाएगा तो सही बात है, नहीं तो दोबारा उसको हमको निकालना, यहाँ पर हम लगाएंगे उसको।
तो ऐसे फ्रेंच में लगा लीजिएगा, अगर जाम हो रहा है तो ग्रीस दे दीजिएगा, जाम नहीं हो रहा है नहीं दूंगा मैं ग्रीस। अभी दोस्तों इसमें हम लगाएंगे आर्मेचर और यहाँ पे ये स्मूथली जाना चाहिए, देखिए ओके पूरा स्मूथली चला गया है और आर्मेचर ऐसे घूमना चाहिए, ये भी घूम रहा है, ये देखिए आर्मेचर ऐसे घूमना चाहिए, ये क्यों घूम रहा है यहाँ पे देखिए, अगर कोई जाम वगैरह होगा तो ये आर्मेचर घूमेगा नहीं। तो अभी हम इसको लगाएंगे पत्ती और ये पर देखिए इसका कनेक्टर यहाँ पे और ये इसका होल है यहाँ पे और ये लगेगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चला जाएगा, ये ढीला होना नहीं चाहिए, ये पूरा टाइट में जाना चाहिए, तो यहाँ पे ये परफेक्ट होकर जा गया है। फिर यहाँ पे इसका पिन है और इसका घाट यहाँ पे मिल जाएगा, ओके ऐसे लगाना है, ओके तो यहाँ से हमारा ये जो पत्ती रहता है ये फिटिंग हो चुका है। अभी हम कार्बन फिटिंग करेंगे, यहाँ पे देखिए इसमें नया कार्बन हम डालेंगे, तो 2-26 का कार्बन यहाँ पे डालें, ओके तो यहाँ पे ये कार्बन है, तो ये कार्बन हम लगाएंगे कार्बन होल्डर में, यहाँ से कार्बन होल्डर का हम फिटिंग कर लेंगे, कार्बन होल्डर में कार्बन यहाँ पे फिटिंग कर लेते हैं और इसका पिन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ये देखिए ओके तो यहाँ पे कार्बन हमारा यहाँ पे फिटिंग हो चुका है और यहाँ से हम लगाएंगे उसका, इसको खोलना पड़ेगा आपको, ये जो कनेक्टर है इसको आपको खोलना पड़ेगा, तो यहाँ से ये हमारा ऐसे लगेगा, ओके तो यहाँ पे हम ऐसे कार्बन होल्डर को लगा लेंगे, ओके तो यहाँ से हमारा कार्बन होल्डर फिटिंग हो चुका है, तो अभी हम इसका कनेक्टर यहाँ पे लगाएंगे, एक कनेक्टर यहाँ पे लगेगा और यहाँ से हम लगाएंगे इसका कनेक्टर, एक यहाँ से जो कनेक्टर है यहाँ पे लगेगा और यहाँ से साइड पे देखिए स्विच से साइड से एक कनेक्टर आया है, ये देखिए यहाँ से एक कनेक्टर आया है जो आपको यहाँ पे लगेगा, हम स्विच को दोबारा बिठा लेते हैं, ओके तो कनेक्टर ये निकल गया, दोबारा हम इसको कनेक्टर लगा लेते हैं, ओके तो यहाँ से फिर इसमें कनेक्टर लग जाएगा, नोज प्लस से आप उसको लगा सकते हो, ओके तो अभी हमारा ये फिटिंग हो चुका है, अभी हमारा रेडी हो गया है, मशीन चल सकता है, तो अभी हम चलेंगे। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे कार्बन में नहीं लगाया हूँ और कार्बन आप लगा लीजिए,
एक स्प्रिंग यहाँ पे लग चुका है और दूसरा स्प्रिंग हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पर ये स्प्रिंग को हम लगा लेंगे ऐसे। ओके, तो यहाँ पे भी दोनों स्प्रिंग हमारा यहाँ लग चुका है और ये आर्मेचर में ये कार्बन टॉच भी हो रहा है। ओके, तो अभी हम मशीन को चलाएंगे, देखेंगे इसका कंडीशन क्या है। तो अभी दोस्तों इसको थोड़ा प्रेस करके रखना है और यहाँ से आपको मशीन चलाना है। तो देखिए ये चालू हो रहा है, आप डायरेक्ट सप्लाई में चालू करना है। तो यहाँ पे हम रिवर्स फॉरवर्ड में दोनों कॉलम्स चेक कर लेंगे। तो यहाँ से रिवर्स में भी सही चल रहा है, फॉरवर्ड में भी सही चल रहा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी दोस्तों हम इसको थोड़ा कवर कर लेंगे, कवर करके हम आगे वाला हिस्सा को फिटिंग करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैं इसका कवर लगा लेता हूँ। तो यहाँ से ये रेडी हो चुका है। अभी मटर साइड बिल्कुल सही हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं मटर साइड में। तो जो प्रॉब्लम था मटर साइड में सब सॉल्व हो चुका है। अभी हम हैमरिंग साइड में जाएंगे, हैमरिंग साइड टेस्ट करेंगे, हैमरिंग साइड चेक करेंगे। तो ये हमारा मटर साइड हो गया, इसको हम साइड में रखते हैं और यहाँ पे एक ओरिंग लगेगा, ओरिंग को लगा लेते हैं यहाँ पे, फिर इसको साइड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से ये ओरिंग लग चुका है और इसको अभी हम साइड में रखते हैं और हमारा पहला काम हम इसमें डैम्पिंग सेट फिटिंग करेंगे जो टूल होल्डर है। तो ये है इसका डैम्पिंग सेट का कंप्लीट सेट। ओके, और ये शॉर्ट टूल होल्डर है। ओके, तो यहाँ पे हम डैम्पिंग सेट फिटिंग करेंगे। ओके, डैम्पिंग सेट फिटिंग करना पूरा आसान है, जैसे आपको बताया था। इसमें 3-2 सॉकेट दिया गया है। ओके, सब अलग अलग है, कोई सेम नहीं है सब। ये छोटा है, ये थोड़ा इससे बड़ा है, ये दोनों सेम है। इसमें अलग घाटी है और इस ये प्लेन है। देखिए ये जो प्लेन आपको मिलेगा इसमें आपको ये पतला सा छोटा सा एक ओरिंग इसमें लगेगा। ओके, फिर आपको इसमें लगाना है ये वाला, ध्यान दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे लगाना है इसका ओरिंग। ओके, ये लग जाएगा इसमें, इसमें नहीं, इस देखिए एक्स्ट्रा घाटी है इसमें और यहाँ से ये फिटिंग हो जाएगा। ओके, फिर आपको ऐसा लगाना है, ये लग गया। तो फिर आपको ये देखिए बड़ा वाला पोजीशन बाहर रखना है, छोटा वाला पोजीशन अंदर रखना है, ये देखिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए ऐसा लगेगा और इसके ऊपर ये लगेगा। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, ऐसे लगाना है आपको, ऐसे अंदर लगाना है। ओके, तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दिया, तो इससे पहले थोड़ा इसमें ग्रीस नहीं ऑयल दे दीजिएगा। मैं आपको बता चुका हूँ जैसे फिटिंग किया था, इसमें ऑयल दे दीजिए ताकि फंक्शन से सही। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो शॉर्ट टूल होल्डर है ऊपर में आपको लगाना है ऐसे होल में फिटिंग करके। ये होल यहाँ पे बराबर घुसना चाहिए और यहाँ थोड़ा पीट लीजिए अंदर चलो। तो ये हो गया। तो यहाँ पे बॉल मत लगे, बॉल लगाने के बाद यहाँ पे इसमें नहीं जाएगा तो बॉल बाद में लगेगा। तो अभी आपको डैम्पिंग सेट लगाना है, ऐसे आप करके डैम्पिंग सेट लगाना है, अंदर चला जाएगा, चल गया। दोबारा हम लगाएंगे, तो ये आपका ये हो गया। देखिए अंदर चला गया डैम्पिंग सेट। अभी आपको ऐसे लगाना है इसका सर क्लिप, ऐसे आपको रखना है। देखिए मैं आपको जैसे बताता है तो दोनों होल में ऐसे रहेगा, आप होल की तरफ इसको होल की तरफ मत दीजिएगा, ऐसे रखिए। ओके, ऐसे देखिए दोनों होल, इस साइड में एक होल है, इस साइड में एक होल है, तो इसलिए आपको ऐसे रखना है। तो अभी आपको ये साइज बना लेना है, इसके अंदर लगाना है और इसको प्रेस कीजिए। ओके, तो ये देखिए अंदर चला गया ये लॉक। तो और पूरा अंदर प्रेस कीजिए, पूरा अंदर जाने दीजिएगा और इसको बुला घुमा दीजिए, जैसे देखिए ये घूम जाएगा।
अभी आपको इस कोडेवर की जरूरत होगा। पूरा लॉक लेके आपका डैम्पिंग साइड में लगने वाला है, डैम्पिंग साइड के पूरा साइड में। ओके, ये लॉक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये दिखना चाहिए, दोनों तरफ लॉक दिखना चाहिए। तो इसको प्रॉपर तरीके से फिटिंग करना है, क्योंकि बहुत दूर से आया है, ऐसा नहीं पास में आए दूर में है, परफेक्ट आपको काम करके देना है। कस्टमर के हिसाब से, अगर कस्टमर बोलेगा कंप्लीट सर्विसिंग करना है तो कीजिए, नहीं तो नॉर्मल करना है वो भी कर सकते हो, पर नॉर्मल में कंप्लेंट रह सकता है, परफेक्ट में यहाँ पे जैसे कंप्लीट सर्विसिंग हो रहा है इसमें कोई कंप्लेंट नहीं आ रहा, सब कुछ आपको फिटिंग करना है परफेक्टली। तो अभी ये देखिए, हमारा ये टूल होल्डर फिक्स हो चुका है, अभी इसको साइड में रखना है, हम इसमें आगे वाला पोजिशन फिट जो हमारिंग पोजिशन रहता है। ओके, यहाँ पे गियर हाउसिंग हमारा ये है, और इसमें तो अभी इसको हमको फिटिंग कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे ये लग चुका है, ऐसे लगेगा, ये देखिए अंदर में ऐसे लगेगा, और यहाँ पे एक स्क्रू लगाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिट हो चुका है, देखिए परफेक्टली इसको हम फिटिंग कर चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसमें ये जो बेरिंग है इसको बिठाएंगे। ओके, तो ये देखिए पूरा आप सीधा करके बिठाइए और थोड़ा फिट लीजिए, अंदर चले जाए ऑटोमेटिक, देखिए ये फिक्स हो गया है, और थोड़ा जाएगा। कोई डाउट हो रहा है तो आप इसको पीट भी लीजिए थोड़ा। ओके, ये बराबर बैठना चाहिए, ये बैठ चुका है बराबर, परफेक्टली काम हो चुका है। अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, आगे वाला पोर्शन, ये जो गियर मतलब गियर साइड जो हैमरिंग साइड रहता है वो फिटिंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा टेपर बेरिंग ये हो गया, ये हो गया आपका स्प्रिंग, यहाँ पे ये गियर है, ये खराब हुआ है गियर, देखिए गियर खराब हुआ है, इसका ये जो रहता है नेडल बेरिंग, आपका स्ट्राइकर, ये ओरिंग है, इसको हम चेंज करेंगे, ये ओरिंग सही है फिर भी हम इसको देख लेते हैं, नहीं शायद ये चल जाएगा, हम ट्राई करेंगे अगर चलाने के लिए। और ये उसका पिस्टन है, और दो पिस्टन में दो वाशर लगता है, ये दो वाशर है, ध्यान दीजिएगा जो चीज़ है इसमें ज़रूरत है इसको हम खोलेंगे। और यहाँ पे पिस्टन पिन है ये, तो अभी लास्ट में हम इसमें यू प्लंग लगाएंगे, ये यू प्लंग है, और ये स्विच एलिमेंट, यहाँ पे देखिए स्विच एलिमेंट यहाँ पे ये लगा है, ये देखिए, और यहाँ पे ये टू थर्ड शाफ्ट, ये वाला जो गियर, इसको लॉन्ग गियर भी बोलते हैं और टू थर्ड शाफ्ट भी बोलते हैं, और ये अंदर में स्विच एलिमेंट है, या भाई 699 का बेरिंग लगा है। ओके, तो यहाँ पे इसको भी ध्यान देना चाहिए, ये जो घाटी है खाँचा हुआ है वो उसको भी ध्यान देना चाहिए, ये परफेक्ट होना चाहिए। और जैसे कि आपको गियर में इसमें हाथ लगाओगे तो इसमें डैमेज होता हुआ दिख रहा है, देखिए ये डैमेज हुआ है। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें एक नया गियर लगाएंगे, ये देखिए ये जो पोजीशन है ये परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो आपका मशीन में कभी कभी नॉर्मल मोड में हमारिंग होगा, हमारिंग मोड में चिपिंग मोड हो जाएगा, कभी कभी अंदर से बीट, अंदर से मोटर घूमेगा बाहर से बीट नहीं घूमेगा, आपका प्लेन मोड में हमारिंग होगा, ये दिक्कत होता है गियर की वजह से, और यहाँ पर टेपर जो है इसके वजह से। तो अभी हम इसमें नया गियर लगाएंगे, इसको हम साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिस्टन में हम लगाएंगे दो वाशर, स्ट्राइकर में लगा लेते हैं ओरिंग, तो ग्रीस हमारा जेल ग्रीस हम यूज करेंगे, थोड़ा ओरिंग में लगाना है आपको ग्रीस यहाँ पे, और स्ट्राइकर में देखिए ग्रीस लगा लिया, और पिस्टन में थोड़ा ग्रीस लगाना है, ये देखिए, तो यहाँ पे आप स्ट्राइकर को पिस्टन के अंदर लगाइए, और ये आपका सिंगल होल होता है 26 mm,
20 mm में डबल होल रहता है और यहाँ पे ओ रिंग इसके नीचे जाएगा तो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ये देखिए प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो ये ज़रूरी है। ये अगर प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो बिल्कुल आपका ओ रिंग सही है, पिस्टन भी सही है, ठीक है। तो ये देखिए, तो अभी हम क्या करेंगे, दो वाशर लगाएंगे, थोड़ा ग्रीस लगाएंगे दोनों तरफ। तो ये ग्रीस लगा चुका हूँ मैं। ओके, तो यहाँ से हम फिटिंग कर लेते हैं पिस्टन। देखिए पिस्टन साइकिल यहाँ पे कंप्लीट, आपको ऐसे रखना है। ये जो होल रहता है, ये होल देखिए, ये होल रहता है, इसमें आपका ये टेपर बेरिंग का ये वाला, ये जो पोजिशन यहाँ पे लगेगा। ओके, तो इसलिए आपको ऐसे साइड में रखना है, ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना है, ऐसे आपको अंदर रखना है। ओके, तो आपको अभी क्या करना है, टेपर बेरिंग में थोड़ा ग्रीस अंदर लगाइए, आप गियर में थोड़ा ग्रीस लगाइए। मैं हमारिंग स्पेशल ग्रीस यूज़ कर रहा हूँ, ग्रीस चाहिए तो ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, नहीं तो साइड में देगा नंबर से मुझे कॉन्टैक्ट को व्हाट्सअप कीजिए, नहीं तो आपको डेक्सिस मॉक्स में यहाँ से आपको देखिए लिंक मिल रहा होगा, यहाँ पर लिंक पॉपअप कर रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करके जा सकते हो मेरे वेबसाइट, वेबसाइट में जाके आप कुछ कोई भी स्क्रेपर्स ऑर्डर कर सकते हो, इसमें ये ग्रीस भी अवेलेबल है। तो कोई भी स्क्रेपर चाहिए मेरे वेबसाइट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये 26 mm का भी स्क्वेयर अवेलेबल है, कोरियर के माध्यम से आपके एरिया में पार्सल भी हो जाए। तो यहाँ पे ये फिटिंग हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे गलती में किया, ग्रीस आपको गियर में देना चाहिए, तो मैं ग्रीस दे रहा हूँ। कोई नहीं, तो यहाँ से ग्रीस जरूरी है क्योंकि नया गियर है, तो ग्रीस आपको लगाना पड़ेगा। कोई नहीं, अंदर भी चला जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा। ओके, फिट हो चुका है, अभी ये फिटिंग हो चुका है। तो अभी इसमें यू क्लैंप लगाना है ऐसे, क्योंकि यहाँ पे टेपर बेरिंग लगा है, उसके अपोजिट साइड में ये देखिए इसका घाटी है, तो ऐसे आपको यू क्लैंप इसमें लगाना है। ओके, तो यहाँ पे यू क्लैंप आके यहाँ पे जो टेपर बेरिंग है इसमें दोनों को लॉक करेगा, फिर ये देखिए अभी ये लॉक नहीं हुआ है, आपको ऊपर इसको रखना है तो ये टाइट हो जाएगा। तो इसको लगाने के लिए आपको मोटा सा पेचकस की जरूरत होगा, ये देखिए। स्लिप हो सकता है, पूरा ध्यान से कीजिएगा। ओके, अभी ये फिटिंग हो चुकी, यू क्लैंप फिटिंग हो चुका है। अभी आप अंदर से अगर आपका जो आर्मेचर है इसको घुमाओगे तो ये फंक्शन भी कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। ओके, तो अभी ये सब कुछ परफेक्ट हो चुका है, पूरा प्रॉपर तरीके से इसको फिटिंग किया गया है। तो अभी मैं कर चुका हूँ फिटिंग, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 2/3 शाफ्ट और स्विच एंड जैसे लगाना है, थोड़ा ग्रीस लगा लीजिए। तो अभी दोस्तों इसमें हम ग्रीसिंग करेंगे, इसमें ज़्यादा ग्रीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल ग्रीस कर सकते हैं, ज़्यादा ग्रीस दोगे तो अंदर चला जाएगा आपके आर्मेचर में। चलिए हो गया है, नेक्स्ट हमारा क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पे टूल होल्डर फिटिंग करना है। देखिए टूल होल्डर यहाँ पे फिटिंग कर लीजिएगा और थोड़ा स्विच जनरेटर साइड, सॉरी 2/3 साफ्ट को साइड करना है, इसका लगेगा अंदर, तो ये आपका ये फिटिंग। ओके, बराबर यहाँ पे फिटिंग हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, गियर हाउसिंग लगाएंगे। गियर हाउसिंग देखिए पूरा क्लीन हो चुका है, अभी ऐसे आपको गियर हाउसिंग लगाना, पूरा स्मूथली चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, देखिए पूरा स्मूथली चला। अभी आपको गियर हाउसिंग लगाने के बाद अभी आपको लगाना है इसका चेंजिंग नॉब, यहाँ पे इसको नॉब हम लगाएंगे। नोब लगाने से पहले आपको यहाँ पे टाइट मत कीजिएगा, और यहाँ पे आप नोब लगा लीजिए, फिर बाद में उसको टाइट करें जितने भी स्क्रू हो। अभी नोब को लगाने के लिए स्विच एलिमेंट जो अंदर में है उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ये देखिए थोड़ा मैं पास में ले रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए स्विच एलिमेंट यहाँ पे देखिए आगे पीछे हो रहा है, तो इसको सेंटर में इस पोजिशन में रखना है ताकि ये जो पिन है यहाँ पे लग सके। नहीं सॉरी,
ओके, तो अभी इसको स्विच एलिमेंट को आपको सॉरी आपका नोक को लगाना है, चेंजिंग नोक, और यहाँ पे आपको इसको रेड वाला जो बटन है उसको प्रेस करना है। देखिए प्रेस हो गया, अभी ये लॉक हो गया। अभी आपको क्या करना है, थोड़ा इसको प्रेस करके रखिए, छोड़ दोगे तो ये फिर अनलॉक हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आपको इसको घुमाना ऐसे, ये लगते हैं। तो अभी आप चार्टो को टाइट कर सकते हो। ये टूल होल्डर, छोटा टूल होल्डर निकल आ सकता है। ये तीन ठो बॉल है तो इसलिए हम इसको साइड में रखते हैं, हम और नया वाला चार ठो बॉल लगाए। ओके, तो ये देखिए नया वाला चार ठो बॉल हमारा इसमें लगाएंगे, पूरा स्मूथली चला जाएगा और यहाँ पे ग्रीस लगेगा। तो यहाँ पे पहले आप इसमें ग्रीस, ये होल में ग्रीस भर दीजिए, पीछा था यहाँ पे ग्रीस भर दीजिए, फिर आप बॉल लगाइए इसमें ताकि बाहर ना निकले। ओके, तो ये देखिए फिक्स हो गया और यहाँ से ये फिक्स हो गया। अभी आपको ये चेक करना है कि इसका जो बाउट सेट प्रोटेक्शन स्लिप जो रहता है तो ये सही है क्या। तो सही तो लग रहा है, आप फिटिंग करेंगे पहले देखेंगे। नहीं, इसमें अब और एक लॉक नहीं है, छोटा सा लॉक इसमें नहीं है, तो हम इसको लगा लेते हैं। तो अभी दोस्तों आपको क्या करना है, स्प्रिंग, पहला चीज आप इसमें स्प्रिंग लगाएंगे ऐसे, ये देखिए स्प्रिंग ऐसे लगाएंगे हम। उसके बाद आपको ये पतला सा वाशर लगेगा और वाशर का घाटी आपको इस तरह लगाना है, इस तरह आपको घाटी मिलेगी। यहाँ पे बॉल लगेगा, ये देखिए ये जो होल है इसमें आपको ये वाशर का जो घाटी रैन हुआ इसको आपको ऐसे लगाना है और इसमें आपको बॉल लगाना है और फिर उसके ऊपर वाशर लगाना है। और आप ग्रीस दे सकते हो इसमें, नहीं तो आप बाद में ग्रीस जब टूल होल्डर में वेट लगाते हो वो उस टाइम ग्रीस दे दीजिएगा। अभी दोस्तों आपको इसको लगाना है माउथ सेट, ये फंक्शन करना जरूरी है, ये फंक्शन भी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ उसमें लॉक लॉक साथ ही तो यहाँ पे हो चुका है लॉक। तो अभी हम टेस्ट करेंगे बेट लगा के, और ये यहाँ पर देखिए ये जो सर्टिफिकेट क्या नहीं मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इसको नया लगाना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ इसका पुराना ढूंढने के लिए, नहीं तो हम कोई नया से निकाल के एक पीस हम लगा लें। तो यहाँ पे मेरे पास पुराना अवेलेबल था और ये लॉक को मैं निकाल रहा हूँ, ये देखिए इसको निकाल रहा हूँ मैं और इसको यहाँ पे हम चला लगेगा। कस्टमर का पैसा बचना जरूरी है। तो दोस्तों कोई भी स्ट्रेप पर चाहिए मेरे वेबसाइट है अवेलेबल है technicalsitam.co.in, वहाँ पे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो गूगल पे भी आप सर्च, मेरा ऐप भी है वहाँ, वो आप डाउनलोड करके भी सर्च कर सकते हो। जब भी कोई भी चीज़ की जरूरत है आप वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो, पेमेंट भी कर सकते हो। तो अभी ये रेडी हो चुका है, तो ये बॉल निकल गया है, तो इसको हम दोबारा बनाएंगे। तो यहाँ से ये बॉल निकल गया है, ये देखिए जो मैं पहले ग्रीस नहीं डाल के लगाया था, मेरा ध्यान नहीं था। तो अभी इसको तो ये जरूरी है, आप ग्रीस लगा के बॉल लगाए नहीं तो गिर सकते। तो दोबारा हम फिटिंग कर लेते हैं। दोबारा फिटिंग कर लेते हैं, बॉल गिर गया
तो ये लगता है। अभी उसका माउथ कैप लगा, प्रोटेक्टिव कैप भी उसको बोलते हैं। अभी दोस्तों ये रेडी हो चुका है, अभी हम चला सकते हैं। लेकिन दो स्क्रू में यहाँ पे नहीं लगाया था और पीछे भी दो स्क्रू नहीं लगाए हैं, तो ये लॉक स्क्रू भी लगा रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लगाएंगे इसमें बीट। ग्रीस लगाने से पहले आपको यहाँ पे थोड़ा ग्रीस जरूर दीजिएगा। ये देखिए ऐसे आपको इतना ग्रीस आपको देना जरूरी है, इतना आप ग्रीस इसमें दीजिएगा। तो ये लॉक हो रहा है और ये खुलना भी चाहिए, तो इसलिए देखिए खुल भी रहा है और लॉक। जब आप खोलते हो तो आप इसको प्रेस कीजिए, जब आप लॉक लगाते हो तो आप प्रेस मत कीजिए, आप ऐसे बीट को प्रेस कीजिए। ओके पहले हम प्लेन में चलाएंगे, ये प्लेन मोड है, सामने वाला प्लेन मोड है। तो यहाँ पे देखिए प्लेन मोड है, अभी हम हैमर प्लस ड्रिल मूविंग मोड यहाँ पे चलाएंगे। हैमरिंग यहाँ देखिए हैमरिंग होना चाहिए। ये हैमरिंग हो रहा है प्लस इसमें चिपिंग मोड भी रहता है। ओके तो यहाँ पे हम चिपिंग मोड में जाएंगे और चिपिंग मोड में हम हैमरिंग करेंगे, चेक करेंगे। तो ये पूरा परफेक्ट तरीके से पूरा परफेक्ट तरीके से ये हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस तरह से वीडियो देखना है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों कोई भी मशीन आपको रिपेयर करना है तो जरूर मेरे एड्रेस पे भेजिए, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रिपेयर होकर आपके पास चल। थैंक यू।